स्ट्रेट लाइन में आज हमारे जो मेहमान हैं वो 2011 बैच के केपीएस ऑफिसर मोहनलाल शर्मा जी है हमारे साथ। सर, आपका पहले बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में आने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू विराज जी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो यही होगी, इनफैक्ट कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जब बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का जो सिस्टम है बहुत कम है। बच्चों के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना और वहाँ पे स्कोप ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो रोज़गार के ज़राया बहुत कम है। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, जो केपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन रही सिविल सर्विसेज के लिए, केपीएस के लिए, तो वो कब स्टार्ट हुई? स्टार्टिंग से आप बनना चाह रहे थे या बीच में कभी आपकी कोई इंस्पिरेशन बनी और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? कैसे आपने ये सिविल सर्विसेज जो है क्वालिफाई किया? देखिए विलास जी, एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर थे। बेसिकली ही वॉज इन आर्मी, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन आर्मी एक्चुअली। और मैंने 3 बार एक्चुअली इसका CDS का जो है वो एग्ज़ाम पास किया था और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ अलाहाबाद से। आर्मी में? सर बिल्कुल आर्मी में। सो सिंस आई कुडंट मेक इन आर्मी, तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन के बाद मैंने PG ज्वाइन करा जम्मू यूनिवर्सिटी में। और जम्मू यूनिवर्सिटी में PG ख़त्म होने के बाद जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था तो मेरे को चांस मिला स्टेट। सर रिसर्च के सब्जेक्ट में कर रहे? मैं जूलॉजी में कर रहा था। हाँ, तो उसमें मुझे स्टेट PSC में एक चांस मिला। 2009 में जो हमारे फॉर्म वगैरह लगे थे एंड 2011 में जो 10 में एग्ज़ाम वगैरह हुआ था एंड आई गॉट ए चांस इन PSC। तो उस समय जब हमारी प्रेफरेंस होती हैं, चूँकि जो स्टेट हमारा सिविल सर्विसेज है उसमें अकाउंट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज, तो क्योंकि वो क्रेज़ स्टार्स का और यूनिफॉर्म का फादर से मिला, अभी नहीं गया था वो उस टाइम आपको ऑप्शन मिला कि नाउ शायद वो चीज़ पूरी टाइम, वो टाइम आ गया पूरा करने का। यस, मुझे लगा कि दिस इज़ अ हाई टाइम कि यूनिफॉर्म शायद एक मौका है मिल सकती है। और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की उससे मुझे मिला है, आई गॉट ए चांस। सर प्रिपरेशन का बहुत सारे बच्चे ना सर होपलेस हो जाते हैं कभी कभी कि बहुत सारी कम वैकेंसी है KPS में जाने के लिए या बाकी सर्विसेज में जाने के लिए, और कंपटीशन जो है वो कोई लाखों का है, लाखों बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं। तो इसी तनासुर में तो बहुत सारे होपलेस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि नहीं जा सकते हम, काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? देखिए उतार, मेरा मानना है कि पर्सनल राय है कि उतार चढ़ाव लाइफ का पार्ट है और किसी को भी स्ट्रगल किए बिना कुछ अच्छा जो है वो अचीव होता नहीं है। तो अगर ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा है टेस्टिंग टाइम में, तो ऑब्वियसली उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए वेट कर रहा होता है। मेरा प्रिपरेशन, चूँकि मैं PG कर रहा था यहाँ से, तो आई स्टार्टेड दैट टाइम ओनली, मैंने PG करते करते इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं PSC के लिए नहीं पढ़ रहा था उस समय एक्चुअली, चूँकि PG के बाद हमारा जो था वो इसमें सिविल सर्विस की तरफ से, इसमें PSC की तरफ से लेक्चरशिप में जो है वो वैकेंसीज निकली थी +2 के लिए। एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो बट उसमें टीचिंग साइड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। बेसिकली लेक्चरशिप की वैकेंसी आई थी, माई मदर ड्रीम वॉज टू दैट उनका बेटा जो है वो एक लेक्चरर बने। तो मुझे लगा पहले माँ का सपना पूरा कर लेते हैं उसके बाद अपना सपना पूरा। यस, और वैसे कोई अपॉर्चुनिटी दिख भी नहीं रही थी नियर फ्यूचर में, तो आई मेरे को लगा कि इस एक कर लेना चाहिए। मैं अपीयर हुआ एंड आई वॉज सिलेक्टेड एज ए लेक्चरर इन जूलॉजी। सो आई सेल्फ एटलीस्ट फॉर 10 मंथ्स इन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी। तो बट जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ था तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे एग्जाम चल रहे थे KS के लिए। मतलब आप शिक्षक भी रह चुके हैं? हाँ जी। तो सर हिंड्रेंसेस कितनी रही सर? मतलब बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव की आपने बात की ना, तो इन सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए कितनी हिंड्रेंसेज आ जाती है? देखिए स्ट्रगल की बात करें तो इट्स ए लॉन्ग टेल बेसिकली, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो प्योरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हुआ है एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम ए प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में जो था। तो आई डिड माय प्राइमरी स्कूलिंग वहाँ से, देन फिर हाई स्कूल था जो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट जम्मू में था बेसिकली, तो मेरे को चल के जाना पड़ रहा था। देन आई डिड माई 10th फ्रॉम, उसके बाद मैंने +2 जो है वो बॉयज़ हाई सेकेंडरी रियासी से करा एंड उसके बाद जो मेरे को कॉलेज का चांस मिला वो मेरे पास ऑप्शन थे, क्योंकि उस समय रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट था। तो इधर मेरे को उधमपुर से करना था या मेरे को जम्मू से करना, तो उस समय मैंने एक डिसीज़न लिया था कि मैं इसको साइंस कॉलेज जम्मू से करूँगा। शायद लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, उसने ही मतलब आगे मेरे को बहुत हेल्प करा उस डिसीज़न ने, क्योंकि साइंस कॉलेज में मेरी पर्सनल राय है
बाकी लोग जिन्होंने उधमपुर से कॉलेज करा होगा वो बड़ी दूर तक गए होंगे, बट मेरे को लगता है कि जो मेरा कॉलेज का डिसीजन था साइंस कॉलेज करना, मेरे को बहुत एक्सपोजर मिला। हम तो समझते हैं कि स्पिरिट और जो बॉडी है ना, जो इन दोनों का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि पुलिस और लोगों का बिल्कुल ऐसा ही तालमेल रहता है, क्योंकि लोगों का बहुत सारा कनेक्शन जो है मैक्सिमम कनेक्शन पुलिस के साथ रहता है। आज आप SDPO नगरोटा के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो लोगों की कितनी एक्सपेक्टेशंस आपसे रहती है, और कितनी आपको क्या लगता है कि उन एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े उतर रहे हैं आज? देखिए मैं आपको बताऊं कि पुलिसिंग के मायने हर एक स्टेशन पे डिफरेंट होते हैं, बिकॉज हर एक स्टेशन के डायनामिक्स अलग से होते हैं। बिल्कुल। तो नगरोटा चूंकि एक हाईवे स्टेशन है, यहाँ पे लोगों के ओबियसली मायने अलग से हैं, आपके चैलेंजेस भी अलग हैं, तो ओबियसली लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अलग तरीके से होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्कूल में एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, तो जब वो गाड़ी में चढ़ता है, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो क्योंकि हम हाफ 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 फेयर देते थे, तो जो कंडक्टर वो कहते हैं भैया हाफ फेयर है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी, तो 10, 20 or 30 किलोमीटर आपको जाना। लड़के तो चलो खड़े होकर बेचारे चल जाएंगे, बट गर्ल स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर उनके हिसाब से सोचें तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि पुलिस वाला जो है वो कहीं आके इंटरप्ट करे, और एटलीस्ट एक बार उनको ये बता दे भैया ठीक है किराया चाहे आधा दे रहे हैं, एटलीस्ट बट दे डिज़र्व एक सीट तो मिल जाए उनको। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। जो हाईवे पे मैं जैसे मैंने कहा कि हर स्टेशन के डायनामिक्स अलग हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसी संदर्भ में मैं मेरे बाकी जो टीम है वो ऑफिसर हम रेंडमली विजिट करते हैं हाईवे पे, जब जो लोकल गाड़ी इंजन भी चलते हैं, और हम चेक करते हैं क्या लड़कियों को प्रॉपरली बैठाया जा रहा है। अभी एक रिसेंटली प्रॉब्लम आया था, मैंने एक वहाँ पर हम चेकिंग कर रहे थे, ये खन्ना चरगाल एरिया का है, तो हमने वहाँ देखा था कि जो कॉलेज की हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो जब आती हैं तो एक ही सिंगल मेटाडोर चलती है, एंड हमने वो रिप्रेजेंटेटिव लेके इसको फॉरवर्ड कर दिया है RTO जम्मू को, एंड वी आर होपफुल के हम एक बस ही उस टाइम लगवा देंगे जो बच्चों को कैटर कर पाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर तरह के बिजनेस से या हर तरह के काम धंधे से लोग जुड़े हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशन हैं पुलिस से वो वेरी करती हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम की आप सर बात करते कर रहे हैं कि लोग जो है एक्सपेक्टेशन लेके पुलिस स्टेशन आते हैं या बाकी किसी जगह जाते हैं, तो कितनी देर में लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है आप उनको जल्दी से ग्रीवियंस जो है उनकी हल कर देते हैं, या डिपेंड करता है कि इस पे कि किस टाइप का केस आपके पास आता है। yes. लेकिन इस टाइम जब आप SDPO के फ़राइज़ अंजाम दे रहे तो क्या कोशिश रहती है आपकी? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज पुलिस स्टेशन में जैसे आपको मैंने बताया, आपने भी कहा कि किस तरह के लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है या ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या है। पहले तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होता है फॉर बर्थ एंड डेथ वो SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस, हम उसी से बात करते हैं। जो हमारी कोशिश होती है कि एक आदमी जो विजिट करता है एप्लीकेशन देता है, तो एटलीस्ट हम सेम डे उनको बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, एंड अगर कोई दिक्कत है उसमें तो नेक्स्ट डे तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दे ही दें। और ऐसा ही नहीं, इसके डायरेक्शन जो हैं सीनियर फॉर्मेशन से भी हैं, और वैसे भी जो हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे FIR की कॉपी हो गई, या आपकी वेरिफिकेशंस है, या आपका बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट है, इसका टाइम मेंशन है, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में चाहे वो मेडिकल हो रेवेन्यू हो कि इनके कितना टाइम में आपको देना है, टाइम बाउंड है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें पूरा हो जाए। बाकी रही केसेस की बात, जैसे आपने बताया, तो ये केस टू केस वेरी करेगा, बिकॉज जिस नबियत का केस होगा वो उतने ही टाइम में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो सकती है। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो है कि जब आपने यहाँ पे ऑफिस अपना संभाला था तो उसके कुछ ही दिनों बाद आपने कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी की, और उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से आपको इनाम से भी नवाजा गया था जितना मुझे पता है, तो सर आपको लगता है कि जो इनाम से नवाजना और बाकी जो जितने भी फ़राइज़ है, आपको लगता है कि अभी सारे फ़राइज़ जो है आप पूरे कर चुके हैं और अभी जो है कुछ और करना बाकी नहीं है? मैं नगरोटा की ही बात करूं, कितना लगता है आपको सर कि नगरोटा में अभी कितना और काम करने की ज़रूरत है, और हम कितना कर रहे हैं अभी तक? देखिए मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ कि दो चीज़ें मेरे को कभी नहीं लगती। एक तो मेरे को ये कभी नहीं लगा, मैंने जितनी भी पोस्टिंग करी है, कि मैंने सब कुछ कर दिया, और दूसरा मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं सब कुछ सीख गया। लाइफ जिस तरह आपको हर डे एक नया सबक सिखाती है, उसी तरह चूँकि हम डिपार्टमेंट में, हमारे पास तरह तरह के केसेस आते हैं, तरह तरह की सिचुएशंस आती हैं, तो आपको लाइफ में नया कुछ सिखाते हैं, और ऑब्वियसली फिर आप उन नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि पब्लिक को कैसे उन चीज़ों का फ़ायदा मिले, तो हम कोशिश करते हैं।
नगरोटा में मैंने ज्वाइन किया था ऑन 10th of September एंड ऑन 13th of September वहाँ पे एक इनकाउंटर हुआ था टेररिस्ट के साथ। हाँ जी, तो आपने बताया कि जो इफ़ समबड़ी फ्रॉम द सीनियर फॉर्मेशन रिवॉर्ड यू तो कैसा लगता है? ऑब्वियसली आपको पता है घर में भी अगर आपकी कोई पीठ थपा देता है किसी अच्छे काम के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और किसी भी डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली इन पुलिस डिपार्टमेंट, अगर आपके अच्छे काम की एक्नॉलेजमेंट की जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सेम फीलिंग है, अच्छा लगता है जब आपके अच्छे सिविल सोसाइटीज़ नगरोटा इस एरिया के का कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है सर आपके? बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए पीछे उसमें सरपंच लोग जो है इलेक्टेड होके आगे हैं, उससे पहले भी हम रबते में थे। जैसे आपको पता है प्रोमिनेंट लोग होते हैं हर जगह के, हमारी कोशिश रहती है जैसे मीटिंग्स होती हैं, पब्लिक इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, उसके तहत जाते हैं। अभी रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू ने अपने SSP जम्मू जो हैं हमारे तेजिंदर सिंह सर, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है ड्रग्स के अगेंस्ट। एक तो उन्होंने एक नंबर जो है वो सर्कुलेट कर दिया हुआ है 9086100100। हम कोशिश करते हैं कि जम्मू के हर कोने में वो नंबर पहुंचे, ताकि अगर किसी की भी कोई भी इससे रिलेटेड इंक्वायरी है या इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस तक पहुंचे, नंबर एक चीज़। सेकेंडली उन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट्स का एज ग्रुप है, जब बच्चों का एज ग्रुप है बिटवीन जो 9th class से ऑनवर्ड है अप टू कॉलेजेस, तो वहाँ जो दिक्कत ज़्यादा आ रही है क्योंकि वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल, सोसाइटी का जो पार्ट है हमारा वो ज़्यादा वल्नरेबल है ड्रग्स को लेके। तो अभी सर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था केयर फॉर योर बॉडी प्रोग्राम, जो हर एक स्कूल में, जम्मू के हर एक स्कूल में लॉन्च हो चुका हुआ है। उसमें स्कूल की स्टाफ मेंबर से ही दो दो जो हैं वो नोडल मॉनिटर्स निकाल ड्रग एडिक्शन के यस, इट्स बेसिकली ये वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, इट्स ए कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स के लोगों को अवेयर करा जाए। बिकॉज हमने देखा है कि स्टूडेंट जो, जब बंदा ड्रग्स की लत लगती है तो उसके बड़े सारे वो होते हैं, तो हमने देखा है कि ये पीर प्रेशर ग्रुप ऑल दैट जहाँ भी जो चीज़ें जाती हैं इनसे इवॉल्व हो रहा है। उसी के मद्देनज़र एक प्रयास है, हमारी एक कोशिश है कि अब देखते हैं कि हम सबसे, हम रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं जहाँ भी हम किसी से बात करते हैं कि हमारे इस जो जो मुहिम हमने छेड़ी है ड्रग्स के खिलाफ, इसमें हमारी एक, आप हमारे साथी बनिए, हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि जब तक सारे सोसाइटी के स्टेक होल्डर मिल के काम नहीं करेंगे तो इसको इतने इफेक्टिव तरीके से इसको नहीं वो किया जाता। आपने सर ड्रग एडिक्शन की बात की, तो ड्रग एडिक्शन माना जाता है कि रूट्स, ऐसे कुछ क्राइम्स हैं जो रूट्स माने जाते हैं हर किसी क्राइम के, इसके साथ साथ सेक्चुअल हैरेसमेंट के केसेस, जो मोलेस्टेशन के केसेस है, या आजकल आप सर रेप केसेस, आपको तो अपने एरिया का पूरा ग्राफ तो पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मिनिस्ट्री का डाटा जो आया था लास्ट मंथ, वो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की जब डाटा को देखते हैं कि वो बहुत लास्ट ईयर से ग्राफ जो है वो ऊपर चला गया है। तो आप इस एरिया में जो है SDPO के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सर इन केसेस के साथ डील करना कोई स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, या इट्स लाइक कि आप अपने हाथ से जो है केसेस को डील कर रहे हैं? देखिए मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ऐसा कोई भी केस जो पुलिस को रिपोर्ट हो जाता है, तो जितने भी केसेस आपने डिस्कस करिए, चाहे ये रेप से रिलेटेड हों, सेक्सुअल हरासमेंट हों, ई प्लीजिंग हो, और मर्डर या डकैती जो भी हो, तो ये बड़े सीरियस तरह के केसेस हैं। एंड इनको जब भी वो किया जाता है तो सीनियर फॉर्मेशंस के बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते हैं, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, और बड़ी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है इसमें, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो संशय नहीं रहना चाहिए किसी के मन में भी कि इसमें सर, कोई जुडिशरी का क्या रोल रहता है, तालमेल कितना अच्छा है जुडिशरी का? बढ़िया है। बेसिकली चूँकि मैं कहता हूँ कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें हमारी जो लॉयर फ्रेटर्निटी है, हमारी जुडिशरी है जिसमें हमारी जुडिशरी आ गई, एंड हमारी पुलिस, ये तीनों जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर आपको किसी को जस्टिस डिलीवर करना है तो जब ये यस यस, हालांकि ऑब्वियसली हर एक जो एक डिफेंस लायर किसी केस को प्लीड कर रहा है तो वो अपना कर, लेकिन तब भी इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी बहुत अच्छे जो यहाँ पे कोऑपरेशन बड़ा अच्छा है सर। नगरोटा में जो बहुत गरीब फैमिलीज़ है या रिमोट एरियाज़ जो है उसके जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनके लिए जो लीगल एड क्लिनिक्स होते हैं, पुलिस का उसमें क्या रोल रहता है कि वो प्रोवाइड करना? देखिए इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा इसमें कैंप्स लगते हैं, बेसिकली लोक अदालत बोलते हैं उनको, वो आती हैं, तो जब वो लोक अदालत लगनी होती है तो उससे पहले हफ्ता पहले या 15 days पहले एक नोटिस इश्यू होता है थ्रू कोर्ट्स, वो हमें आ जाता है कि अब जितने लोग हैं, बी इट इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर बिजली का बिल ये उससे रिलेटेड हो जाए बाकी सब चीज़ों से, क्योंकि इसमें ये जो है ऑफेंसेज डिफाइन होते हैं, केसेस डिफाइन होते हैं कि इसको लेकर लोक अदालत होगा। तो हमारा काम होता है कि हर वो शख्स जिसका ऐसा कोई ये ग्रीवियंसेस है उस तक वो चीज़ पहुँचाने के
फ्लान फ्लान किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते yes, कि वो yes. प्रॉपरली जाए नहीं अगर नहीं जा पाता हम तो हमेशा हेल्प के लिए एनीबॉडी हु कम्स टू अस विद द रिक्वेस्ट के मुझे कहीं जाना बचाना है डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू वचनबद्ध है हर एक सिटीजन को किसी भी तरह की सहूलियत सहायता प्रदान करने के लिए लोग किसी भी वक्त किसी भी हमें किसी भी उसके लिए अगर कॉन्टैक्ट करें वी आर ऑलवेज हम रेडी सर लास्ट में वुड लाइक टू हेयर अ कोट फ्रॉम यू के हमने जो स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी तो अब सिविल सर्विसेज की तरफ गए थे तो लास्ट में भी मैं चाहूँगा कि कंक्लूड जो है वो सिविल सर्विसेज की ही बात पे हो कि उन एस्पिरेंट्स को जो शायद होपलेस हो जाते हैं कभी अपनी स्ट्रगल छोड़ देते हैं बीच में और स्विच कर लेते हैं किसी और डायरेक्शन में तो उन एस्पिरेंट्स को एक मैसेज जाए कि कामयाबी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पहले इंस्ट में आपको आ जाए पहले ही कोशिश में आपको आ जाए तो उनको कुछ कहना चाहें सर देखिए इसका जवाब मैं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है खाली वो एक ही लाइन पढ़ूंगा उसकी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो आप कोशिशें करते रहिए ऊपर वाले ने आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा लिखा रखा है थैंक यू वेरी मच सर तो हमारे साथ थे मोहनलाल शर्मा जी जिनका एंड पे एक सीधा साधा और वेरी सिंपल फॉरवर्ड मैसेज था कि जब आप कोशिश करेंगे तो आपकी हार कभी नहीं होगी लेकिन ज़रूरत है कोशिश करने की कोशिश ना करेंगे तो कामयाबी कभी सामने नहीं आती तो फिर हम अगेन मोहनलाल शर्मा की तरफ चलते हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं टाइम देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए और मैं इजाज़त लेना चाहूँगा पूरी स्ट्रेट लाइन की टीम से आदाब